हावड़ा में दंपति का फांसी पर लटका शव मिलने से हड़कंप, बेटे की गिरफ्तारी और कर्ज से थे परेशान। हावड़ा के दक्षिण लक्ष्मी नारायण तला इलाके में बुधवार को एक मध्यम आयु वर्ग के दंपति का फांसी पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान मलय सहाना उम्र 62 वर्ष और मधुरिया सहाना उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बेटे की गिरफ्तारी और भारी कर्ज के चलते दंपति ने अवसाद में आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले उनके बेटे कौस्तुभ सहाना को 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि उसने उच्च न्यायालय के एक जज की फर्जी हस्ताक्षर करके एक वृद्ध महिला के घर और जमीन को धोखे से बेच दिया था। कानूनी खर्च के नाम पर महिला से 20 लाख रुपए भी हड़प लिए थे। जब महिला को संदेह हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच का जिम्मा सीआईडी ने संभाला और कौस्तुभ को गिरफ्तार कर लिया। बेटे की गिरफ्तारी के बाद मलय और मधुरिया सहाना पर कर्ज का भारी दबाव था, जिससे वे परेशान थे और कर्जदारों के डर से घर से भागते फिर रहे थे। बुधवार को एक रिश्तेदार जब उनके घर आया तो दरवाजा बंद पाया। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और दंपत्ति को पंखे से लटका पाया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे मानसिक अवसाद से जुड़ी घटना मान रही है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हावड़ा में दंपति का फांसी पर लटका शव मिलने से हड़कंप, बेटे की गिरफ्तारी और कर्ज से थे परेशान। हावड़ा के दक्षिण लक्ष्मी नारायण तला इलाके में बुधवार को एक मध्यम आयु वर्ग के दंपति का फांसी पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान मलय सहाना उम्र 62 वर्ष और मधुरिया सहाना उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बेटे की गिरफ्तारी और भारी कर्ज के चलते दंपति ने अवसाद में आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले उनके बेटे कौस्तुभ सहाना को 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि उसने उच्च न्यायालय के एक जज की फर्जी हस्ताक्षर करके एक वृद्ध महिला के घर और जमीन को धोखे से बेच दिया था। कानूनी खर्च के नाम पर महिला से 20 लाख रुपए भी हड़प लिए थे। जब महिला को संदेह हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच का जिम्मा सीआईडी ने संभाला और कौस्तुभ को गिरफ्तार कर लिया। बेटे की गिरफ्तारी के बाद मलय और मधुरिया सहाना पर कर्ज का भारी दबाव था, जिससे वे परेशान थे और कर्जदारों के डर से घर से भागते फिर रहे थे। बुधवार को एक रिश्तेदार जब उनके घर आया तो दरवाजा बंद पाया। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और दंपत्ति को पंखे से लटका पाया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे मानसिक अवसाद से जुड़ी घटना मान रही है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।